नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम वुमन स्किल्स पर आपका स्वागत है। आज हम सब्सक्राइबरों की मांग पर हम यहाँ पे आज आपको मालपुआ की रेसिपी बताएंगे, जो बहुत ही सरल और झटपट बनने वाली है। यहाँ पे हमने 200 ग्राम गेहूं का आटा और यहाँ पे हमने 100 ग्राम चीनी ली है और यहाँ पे 50 ग्राम हमने दही को लिया है और थोड़ा सा हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं और आधा चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ ली है। अब हम बाउल के अंदर इस आटे को डाल देंगे, चीनी डालेंगे, इसमें हम दही डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से इसमें लम्स नहीं गिरते हैं और ये अच्छी तरह ये मिलकर के तैयार हो जाता है। अब हमने इस घोल को अच्छी तरह मिला करके फेंट करके हम तैयार कर लेंगे। इसके अंदर 200 ग्राम आटा के अंदर यहाँ पे 250 ग्राम पानी लगा है। इस प्रकार हम इस घोल को तैयार करके हम आधा घंटा के लिए इसको रख करके फिर इसके मालपुए बनाएंगे। इसके अंदर हम सौंफ डाल देंगे, काली मिर्च भी डाल देंगे। यदि आपको किसी को पसंद हो तो हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दही का बना रही हैं तो हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे। अब हमको इस मिश्रण को हमको मिलाकर घोल को बना करके रखने में हमें 20 मिनट के लिए हमने ये घोल रख दिया था। इसके अंदर दही होने से इसके अंदर जाली बैठेगी। कोई इसको दूध से भी बनाते हैं, कोई इसको मावा डाल के भी बनाते हैं, कोई चाशनी से भी हम मालपुए कोई बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले से ही चीनी डाल करके हम मीठे मालपुए सीधे घी के अंदर बनाएंगे। हमने यहाँ पे घी को गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हम घी को ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही घी डालेंगे और इसके अंदर हम मालपुए बनाएंगे। पहले हम घी को चेक करेंगे कि ये घी गर्म हो गया क्या, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा डालकर देखेंगे। ये घी गर्म हो गया है और ये ऊपर भी आ गया है। अब हम इस मिश्रण को एक चम्मच से एक भर करके हम इस घी के अंदर डाल देंगे। यह अपने आप इसके अंदर चम्मच से हम जब मिश्रण को डालती हैं तो ये अपने आप इसके अंदर फैल जाता है और ये बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार हो गया है और इसमें जाली बैठ गई है। एक बात का ध्यान रखना है, हम यहाँ पे जो हम घोल के अंदर जो दही लेती हैं वो मीठा ही लेंगे, खट्टा दही नहीं लेंगे। और यदि जाली न बैठे तो हम इसके अंदर थोड़ा सा घोल और डाल करके तैयार कर डाल सकते हैं। इसको हम ऐसे इस प्रकार घी को हम एक दूसरे चमचे के सहायता से हम इसका घी एक्स्ट्रा होता है वो हम निकाल लेंगे। इसको हम मध्यम रखेंगे, जितनी धीरे धीरे सिकाई होगी इतना ही अच्छा बन करके तैयार होगा। इस मालपुए को हम खीर के साथ में खाने में बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है, तो ये खीर के साथ में बहुत ही लजीज लगेगा और उसी के साथ में खाया जाता है। अब इस हमको हम इसको पलट लेंगे।
गैस को हम मध्यम ही रखेंगे। यह मालपुआ अब सिकाई होकर के यह तैयार हो गया है और अच्छी तरह इसकी सिकाई भी हो गई है। यह मालपुआ बन करके तैयार हो गई है। यह बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और उसको ज्यादा बनाने में टाइम नहीं लगता और बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बन करके तैयार हुई है। यह मालपुए 1 kg आटा में 350 ग्राम हम चीनी लेंगे, 1 किलो आटा लेंगे तो इसके अंदर कम से कम 60 पीस इस प्रकार के साइज के मालपुए बन करके तैयार होती हैं और इसके अंदर 1 kg पानी लगता है और 350 ग्राम हम इसके अंदर दही को लेंगे और यह बहुत ही अच्छे जाली बन करके तैयार हो गए हैं। यह बहुत ही अच्छी तरह सिकाई हुई है। सिकाई हम अपने इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा सिकाई कर सकती हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों, परिचितों और मित्रों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल वुमन स्किल्स को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। थैंक यू। Yeah.